RJD there. Something is happening. हाँ सर, लालू प्रसाद यादव वो उसके आरजेडी के जो फाउंडर थे वो अभी जेल में हैं, और अभी उनके दो बेटे हैं जो राजद के मेन संचालन कर रहे हैं, जो जो अभी हार हुई है 0 सीट अभी अभी के लोकसभा चुनाव में उनको मिला और बुरी तरह हार हुई है सर। तो आरजेडी के बारे में बता रहे हैं? हाँ सर। व्हाट अबाउट नीतीश पार्टी? सर अभी उनकी पार्टी 15 साल से सरकार में है सर, और हाल में ही उन्होंने राजद के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाई है। इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, हाँ सर, ऑलमोस्ट 102 चिल्ड्रन दे डाइड ड्यू टू दैट एनसेफेलाइटिस। हाँ सर। व्हाट वर द मेन रीजंस? सर मुझे लग हाँ सर यू फॉलो दैट न्यूज़पेपर? हाँ सर, हाँ सर। व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेस सर? व्हाट गवर्नमेंट हैज डन टू स्टॉप दैट? सर मुझे लगता है कि बिहार में हेल्थ और एजुकेशन एजुकेशन जो सिस्टम है सर उसमें अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे मुजफ्फरनगर जिस हॉस्पिटल में ये सब उतने बच्चों की मौत हुई है वो मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सर, पर वहाँ डॉक्टर नर्स यहाँ तक कि दवाई मूलभूत दवाइयाँ की भी कमी है सर। तो साफ दर्शाता है अकाउंटेबिलिटी की कमी है और बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है सर, खासकर सोशल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सर। हाँ सर। हाँ सर। बिहार इतना बड़ा स्टेट है और मुजफ्फरपुर आपको पता है यूपी बॉर्डर से गोरखपुर से क्लोज है, तो वाई केवल इस पैच में ही क्यों प्रॉब्लम आ रही है? सर कुछ लोग कुछ विशेषज्ञों का कहना है लीची खाने से लीची एक समस्या है सर उस क्षेत्र में, लेकिन वो उसकी वो प्रमाण कोई नहीं है सर कि लीची से ही ये समस्या हो रही है। शायद उस क्षेत्र में माल न्यूट्रिशन और अच्छे हॉस्पिटल की कमी है जिसके कारण ज़्यादा संख्या में बच्चे उस क्षेत्र में मतलब इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं सर। ये कही आपके स्टेट में कौन सी वो परियोजनाएं हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं? कुछ डेटा, कितने जॉब्स मिले, कुछ है आइडिया पिछले 5 साल का? सर डेटा एग्जैक्टली नहीं पता, पर हाल फिलहाल में सरकार फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे काफ़ी ध्यान दे रही है। हाल ही में एक बहुत बड़ा फूड पार्क खोला गया है सर समस्तीपुर के आसपास, जिसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, सरकार इस पे ध्यान दे रही है। और हाल फिलहाल में आईटी सेक्टर को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, खासकर आईपीओ वगैरह वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं पटना में, जिसे युवाओं को रोजगार मिल सकता है सर। चाइल्ड लेबर, वोमर वुमेन एम्पावरमेंट, सीनियर सिटीजन प्रोजेक्ट्स, कुछ है आपको आइडिया कुछ? हाँ सर। एरियाज में कुछ सुधार हुआ है? सर हाल ही में बिहार सरकार ने एक बिल को सहमति दी है जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए अगर उनके बेटे या बेटियां उनका देखभाल नहीं करती है तो उन पे उनको एक आपराधिक मामला इसको बनाया गया सर, उन पे सजा का प्रावधान किया गया है। और वीमन एम्पावरमेंट सेंट्रल की स्कीम है? नहीं सर, ये बिहार अभी बिहार स्टेट की स्कीम है सर ये। और वीमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जिससे काफ़ी प्रशंसा भी जिसकी की गई थी वो साइकिल प्रदान किया गया था बच्चियों को जो 10वीं पास करती थी। अच्छा बताइए, आप बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर? हाँ सर। तो कैसे इसको डिफाइन किया गया नॉन क्रीमी लेयर? सर इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। आपने लिखा है ना नॉन क्रीमी, तो आपका डेफ ही पढ़ रहा हूँ। हाँ सर। तो इसमें नॉन क्रीमी लेयर यू शुड नो कैसे डिफाइन करते हैं? सर बहुत सारे इसमें सर टर्म एंड कंडीशन थे, जैसे जब जो
हाँ सर, लेकिन उतनी गहराई में पता नहीं है सर। हाँ ठीक है। बीए ऑनर्स किया है हिस्ट्री में आपने। हाँ सर। बिहार की कुछ तीन हिस्टोरिकल प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स बताइए जरा। सर सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल और फेमस प्लेस तो नालंदा यूनिवर्सिटी, एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी है सर, और सेकेंड गया का बौद्ध मंदिर, महाबोधि मंदिर सर, और थर्ड शेरशाह सूरी का मकबरा है जो सर काफ़ी फेमस है बिहार में। और वो कौन सा नानक जी का जो है जहाँ से? हाँ सर, एक सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का वहाँ पे गुरुद्वारा सर पटना सिटी में, वो भी काफ़ी सिखों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है सर। हाँ मंदिर सर। कौन एमपी जीते हैं अभी? सर रविशंकर प्रसाद वहाँ से जीते हैं सर। कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया रविशंकर जी को? सर उन्हें आईटी मिनिस्ट्री बनाया गया है। आईटी मिनिस्ट्री? हाँ हाँ सर। स्टेट मिनिस्टर है या ये कैबिनेट? वो कैबिनेट मिनिस्टर है सर। क्या अंतर होता है स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर? सर वो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, और मुख्य जो नीति निर्माण होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, और वही राज्य मंत्री जो होते हैं वो पार्टी मतलब डायरेक्टली वो नीति निर्माण में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सर। आपका चॉइस है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? हाँ सर। हाँ सर। तो व्हाट आर ड्यूटीज क्या है सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट? सर शुरुआती स्तर पे उनकी ड्यूटी तो पीएसयू की सुरक्षा करना था, पर धीरे धीरे उनके ड्यूटीज को बढ़ाया गया सर। अभी एयरपोर्ट्स और प्राइवेट इंडस्ट्री को भी वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही हाल फिलहाल में नक्सली एरिया में भी उनका डिप्लॉयमेंट किए जाने का प्रावधान किया गया है, साथ ही वीआईपी सिक्योरिटी में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही एक फायर ब्रिगेड यूनिट उसमें का स्थापना किया गया सर। तो आपने फर्स्ट चॉइस दिया है इसका? हाँ सर। क्या आपको एडवांटेजेस लगते हैं सर? फर्स्ट चॉइस सर मैंने बहुत जब मैं ये भर रहा था तो मैंने सभी सर्विसेज के बारे में जानकारी इकट्ठा की और लोगों से पूछा सर, तो मुझे ऐसा लगा कि सर मेरे पर्सनल नीड के अनुसार सीआईएसएफ मेरे ज़्यादा अनुकूल है सर। तो होगा ये बेनिफिट्स हैं, एक दो तीन चार? सर सबसे पहला चीज़ जिसके कारण मैंने इसका चुनाव किया वो तो ये है सर कि इसमें अपने पर्सनल नीड और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। इससे पहले आप कभी गए इंटरव्यू में यूपीएससी? नो सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू जा रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, तो इसके लिए आपने कोई स्पेशल स्किल एक्वायर किया? हैव यू डन सम एनएसएस या स्पोर्ट्स? नो, कुछ किया? कुछ नहीं। नो सर। अच्छा, अभी आप कार्यरत हैं कॉन्स्टेबल? कॉन्स्टेबल के पद पर उनको नियुक्त किया गया था, अभी एएसआई के पद पे हैं सर। अच्छा, एएसआई सर। एएसआई कहाँ ड्यूटी है आपका? वो जमुई में है सर, जो बिहार के जमुई जिला में वो पोस्टेड है सर। अच्छा, आपका मार्क्स जो है कंसिस्टेंटली स्लोइंग डाउन? हाँ सर। 88% से लेकर के आपको 70% सर, जब तक टेंथ में था वो बोर्ड के एग्जामिनेशन पे ज़्यादा फोकस था सर, इसीलिए मार्क्स ज़्यादा हैं। उसके बाद से मैं ट्वेल्थ में आईटी का प्रिपरेशन करने लगा तो बोर्ड के एग्जामिनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, वही ग्रेजुएशन के साथ भी हुआ सर। सर सुन नहीं पाया सर। ग्रेजुएशन में क्या प्रॉब्लम आ गया? ग्रेजुएशन में सर मैं ट्वेल्थ के बाद से गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने लगा तो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया था। सर तीनों हिस्ट्री पढ़ा हूँ सर। हाँ सर। तो बताएं कि मेडिवल इंडिया है। हाँ सर। उनकी मेजर ट्रेड्स क्या हैं? सर उसमें फॉरेन इन्वेंशन खासकर मुस्लिम इन्वेंशन से उससे शुरुआत मेडिवल इंडिया का माना जाता है सर, और सेंट्रलाइज जो इंडिया इंडियन जो किंग ट्रेड्स क्या है मध्यकालीन भारत का, कैसे आधुनिक भारत से कैसे संबंध करते हैं? आधुनिक भारत से जब से वो यूरोपियन इन्वेंशन शुरू हुआ तब से आधुनिक भारत का एक संक्रमण काल शुरुआत माना जाता है सर।
मेजर ट्रेड्स हम लोग गुजरात है, क्या है मुख्य लक्षण, क्या है अधिकार के? सर नहीं बता रहा हूँ। अच्छा आप ये बताइए कि एंशिएंट इंडिया खास करके बिहार जहाँ से आप हैं नालंदा से, हाँ सर, बहुत ही शुरुआत हुआ वहाँ से एम्पायर बिल्डिंग का, हाँ है ना, तो ऐसे क्या रीजन्स थे कि वहाँ से एम्पायर बिल्डिंग शुरू हुआ? क्यों मगध, 16 महाराष्ट्र में मगध ही कब खाने क्यों हुआ? सर पहली चीज़ तो ये थी सर कि वहाँ पे उस क्षेत्र में लौह अयस्क वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे थे, जिसके कारण हथियार वगैरह, जिसके हथियार मिलना, हथियार बनाना शुरू हुआ सर, और विकसित रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे उत्तम हथियार उस क्षेत्र में ही बनाए जा रहे थे उस वक्त, जिससे साम्राज्य विस्तार में योगदान मिला और जिस कारण से बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना वहीं से प्रारंभ हुई सर। और भी कोई राज्य था जिनके पास लोहा था? सिर्फ मगध के पास ही था? नहीं सर, उस क्षेत्र में ज़्यादा, अभी वर्तमान में भी वही वो क्षेत्र अभी भी लौह उत्पादन में सबसे आगे है सर। आपने पढ़ा है मगध यूनिवर्सिटी बोध गया? हाँ सर। बोध गया के बारे में बताइए। सर बोध गया महाबोधि मंदिर, जहाँ पे बोला जाता है बौद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके कारण काफ़ी प्रसिद्ध है सर, और देश बिहार में रिवेन्यू, टूरिज्म रिवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत है। नहीं सर नहीं। हाँ सर। कौन सी? सर वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ आजकल। हाँ सर। आज का हेडलाइन बताइए क्या है? सर आज वो आज पहला हेडलाइन तो ये सर कि पाकिस्तान ने जो कॉरिडोर जो बनाने का प्रस्ताव दिया था वो अभी उस पर डिले कर रहा है सर, नवंबर तक वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो जाएगा, इस बारे में कुछ था सर एग्जैक्टली। करतारपुर कॉरिडोर का जो भारत और पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट किया था सर, भारत और सिखों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट था सर, वो सिखों की का भी धार्मिक सर, वो सिखों के प्रथम गुरु के सर वहाँ पे देहांत हुआ था उनका। हाँ सर। अब बताएंगे बिहार में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेशनलाइज्ड अफेक्टेड? सबसे ज़्यादा तो सर जमुई ही है, उसके बाद गया और जहानाबाद। हाँ सर। और एक मुंगेर। आप ऑलरेडी हैं, आप पुलिस फोर्स में है ना? हाँ। तो क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है इस सर? गवर्नमेंट तो जो भी नक्सली प्रभावित कुछ ज़्यादा नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे CRPF और अन्य सशस्त्र बलों की नियुक्ति की जा रही है, और पुलिस बलों के अंतर्गत ही नए नए यूनिट का निर्माण किया जा रहा है जो नक्सलियों से लड़ने में सक्षम हो सर। दूसरी बात, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में डेवलपमेंट वर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ह्यूमन रिसोर्स जो नहीं सर, नालंदा नक्सली प्रभावित क्षेत्र सर, जमुई में भी शायद नहीं है। नहीं, नहीं सर। मैं पूछ रहा था गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो कि नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए या उनको रिड्यूस करने के लिए चलाया जा रहा है? सर झारखंड गवर्नमेंट की एक है जिसमें नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है, साथ ही गवर्नमेंट जॉब में उनको कुछ आरक्षण दिया जाता है ताकि वो मुख्य धारा में हो, और अभी होम मिनिस्ट्री के द्वारा समाधान एक एक प्रोजेक्ट चलाया गया है सर। हाँ सर। सर CRPF के अंदर एक बटालियन है जो नक्सलियों से लड़ का मुकाबला करती है सर। हाँ सर। सर रजनीश का अर्थ होता है रातों का राजा, रजनी का अर्थ होता है रात और ईश का राजा। आप लगता है रातों के राजा है, कैसे राजा है? हाँ सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कभी कभी, क्योंकि मैं
पिछले 2-3 साल से रात में ही जागता हूँ और दिन में सोता हूँ, कभी रात में मुझे नींद नहीं आती है सर। जागने और सोने से राजा बन जाते हैं? मतलब तो रात मुझे ज़्यादा पसंद है, कोई भी जो जिसमें ज़्यादा मेहनत और कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है वो काम मैं रात में ही करता हूँ सर। हाँ, अभी आप मेन काम नहीं कर रहे हैं, अभी आप राजा वाला रोल प्ले नहीं कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ सर, मैं तो बोल रहा हूँ मुख्य रूप से, मतलब मेन जनरली। रजनीश, हम आप में ऐसी कौन सी ऐसी विशेष विशेषता है जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन करें और दूसरे कैंडिडेट से आप बेहतर हैं? सर मुझ में लीडरशिप स्किल है सर, मैं जिस स्कूल में था नेत्रहाट में, मैंने वहाँ पे अपने हाउस को रिप्रेजेंट किया, स्कूल को भी बहुत बहुत सारे क्षेत्रों में रिप्रेजेंट किया हूँ। साथ ही मैं मेंटली बहुत टफ हूँ सर, वो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है सर। मैं पिछले 3 बार से CAPF का फॉर्म भर रहा हूँ और पहली बार, फिर भी मैं 2 बार नहीं हुआ, फिर भी मैं 3री बार ट्राई कर रहा हूँ पूरे मेहनत के साथ सर। मैं और सर मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ सर, इमोशनली इंटेलिजेंट अपने आप को कह सकता हूँ सर। हाँ सर, क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? सर जानना कि एक इमोशन का सही रूप में उपयोग करना सर, मतलब जुडिशरी उसका उपयोग करना, जो बेहतरी के लिए, सामने वाला के लिए और अपने के लिए भी। इमोशन आप जिस पोस्ट जहाँ जा रहे हैं, आप जाना चाहते हैं ना, इमोशंस की जरूरत ही नहीं है सर। इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत मुझे लगता है सर कि सभी क्षेत्रों में होती है। युद्ध के वक्त ज़्यादा भावुक ना हो जाना हो, या कोई अगर हमला हो गया हो तो, या कोई किसी के साथ कुछ हो गई हो या किसी को गोली लगी हो, तो ज़्यादा इमोशनल होकर भावुक ना हो जाना हो, अपने आप को मजबूत बनाए रखना हो और कैसे मोटिवेट करना है। पोइट्री क्या होती सर? पोएट्री होती है जिसमें कुछ राइम होता है और वो राइमिंग का ज़्यादा महत्व होता है सर पोएट्री में, और डायरेक्टली मतलब किसी अपनी भावना को डायरेक्टली शब्दों के थ्रू बताना सर पोएट्री। और स्टोरी टेलिंग सर वो बहुत डिटेल्ड एक बड़ा स्तर पे उसी भावना को वो बताना। सर खुद की लिखी हुई या कि सर सर हाल में ही मैंने एक भारतीय युवा का डिफिनेशन लिखा था सर, वो प्रियम्बल के तर्ज पे वो इस प्रकार है। सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था के कारण अपनी उत्पादकता खो चुका, सरकारी नौकरी की चाह में हताश निराश और कुंठित, पर माँ बाप और समाज के नज़रों में सुशील और सफल रहने की लालसा से प्रेरित होकर खुले नालियों के इर्द गिर्द बने सस्ते और गंदों मकानों में अपने जवानी के अनमोल दिनों को एकांतवास में व्यतीत करते हुए भारत को महाशक्ति बनाने का सपना देख रहा है, उसे जगाओ मत। राइम में सर बस शॉर्ट और क्रिप जो सर वो बोलना चाह रहा था। रैम बताया सर गलत सर, इसमें रैम सर वर्तमान में कविताएं का रूप बदल गया सर, पहले जाना। थैंक यू सर।